सो ही गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस आप लोगों में से काफी सारे लोगों को पहले से पता होगा गाइस कि हमारे गेम के अंदर OB44 का अपडेट्स आने वाला है और एडवांस सर्वर भी यहां पर से रिलीज हो रखा है। एंड गाइस आज जो आपको अपडेट्स बताने वाले हैं जो OB44 के बाद आप लोगों को इन गेम्स देखने के लिए मिलेंगे, उसे सुनने के बाद गाइस आपकी चड्डी गिली हो जाएगी, आपका दिमाग खराब हो जाएगा गाइस। तो अपडेट बहुत ही ज्यादा यूनिक यहाँ पर से होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना अगर आप फ्री फायर के अपडेट्स को जानना चाहते हो, क्योंकि इसमें हम आपको बहुत सारे अपडेट्स बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें मेरे भाई चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गेम के अंदर एक न्यू गन मिला जिसका नाम होगा FZL-24। इसका एबिलिटी आप देख पा रहे हैं गन के यहाँ पर से क्या सिस्टम है भाई, आप ग्लोबल पे मारोगे फिर कोई भी प्रोडक्ट पे गेम के अंदर कुछ भी आइटम से गाइस, आप चाहे गाड़ी पे मारो या फिर बंदे पे मारो या फिर ग्लोबल के स्पार में मारो गाइस, वो उसके ऊपर काम करेगा 20-20 करके 10-10 करके एबिलिटी के हिसाब से, जिस हिसाब से होगा भाई उस हिसाब से डैमेज देता रहेगा। अगर आप गाड़ी पे मारते हो गाड़ी वाले बंदे के पास तो गाड़ी वाले बंदे को भी यहाँ पर डैमेज मिलेगा। एंड ग्लोबल के आर पार भी अगर मारोगे गाइस तो भी बंदे पीछे वाले बंदे को एक बार डैमेज देगा। एंड भाई ये हम लोगों का जो ग्लोबल फाड़ने वाला गन है गाइस, इसका दूसरा वर्जन आप बोल सकते हो, मतलब ग्लोबल फाड़ने वाले सिर्फ आप ग्लोबल फाड़ सकते थे, इसमें क्या हो ग्लोबल तो फटेगा लेकिन पीछे वाले बंदे को भी डैमेज पड़ेगा। तो इस गन की एट्रीब्यूट बहुत ही सही है, आप लोग कमेंट बताना आप लोग क्या लगा भाई इस गन के एट्रीब्यूट सही है। दूसरा हम लोग निकल गया था भाई यहाँ पर से गन रिवर्क, जिसमें आपको प्लाज्मा में और ऑग गन में आपको लोगों का चिप्स देखने के लिए मिलेगा, यानी कि इतना दिन जो भी हम लोग गन में चिप मिलता था वो तो नॉर्मल बहुत सारा गन था, लेकिन अब आपको प्लाज्मा में और ऑग गन में भी चिप देखने के लिए मिलेगा। इसमें चेंजेस किया गया गाइस, आप बंदे को जैसे डैमेज दोगे बंदे को किल करोगे उस हिसाब से एक बंदे को किल करने से आपका एक चिप ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा, दूसरे बंदे को मारने के बाद आपका दूसरा चिप ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा, एंड तीसरे बंदे को मारने के बाद आपका यहाँ पर से गन जो है तीनों चिप लग के मैक्स यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट हम लोग यहाँ पर से निकल के आता है ऑनलाइन सिस्टम का, तो यहाँ पर आप लोग तीन फीचर देखने के लिए मिलेगा, रेडी टू टीम, ऑनलाइन, डू नॉट डिस्टर्ब। तो यहाँ पर तीन आपको ऑप्शन मिला, जिस सिंपल अगर आप रेडी टू टीम करते हो तो जो भी बंदा आपको रिक्वेस्ट सेंड करेगा सीधा का सीधा आप उसके ग्रुप में ऑटोमेटिक चले जाओगे बिना आपको टैप किए, जिस तरीके से अभी होता है ना, कोई बंदा हम लोग यहाँ पर से रिक्वेस्ट डाल देता है, हम लोग यहाँ पर से एक्सेप्ट करने का ऑप्शन होता है, एक्सेप्ट करेंगे तभी जा सकते हैं, लेकिन आप अगर करते तो यहाँ पर से रेडी तो आपका ऑटोमेटिक आप उस ग्रुप में चले जाओगे। ऑनलाइन करोगे तो सिंपली आपको ऑनलाइन दिखेगा सामने वाले बंदे को, एंड डू नॉट डिस्टर्ब में अगर करोगे तो भाई वो बंदा आपको रिक्वेस्ट डालेगा लेकिन आपको यहाँ पर से कुछ भी नहीं दिखेगा गाइस। तो ये अपडेट मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है और ये अपडेट बहुत पहले लाना जरूरी था, कोई बात नहीं भाई देर आया बट दुरुस्त आया। नेक्स्ट अपडेट हम लोग यहाँ पर न्यू कैरेक्टर कैरोस को लेकर, आप लोग बताए यहाँ पर गेम के अंदर एक न्यू कैरेक्टर आने वाला जिसका नाम होने वाला कैरोस, एंड इसमें आप लोग को दो मोड मिलेंगे भाई, दो मोड यहाँ पर, एक मिलेंगे आपको डिफेंस मोड, दूसरा आपको मिलेगा ब्रेकर मोड। डिफेंस मोड में क्या होगा, आपको ब्लू कलर का एक अलग से पट्टी मिलेगा, जिस तरीके से हम लोगों का ईपी होता है उस टाइप से आप लोग को ईपी मिलेगा जो पर सेकंड दो दो करके बढ़ेगा। एंड उसका काम क्या होगा, सामने एनिमी का जब आप फाइट करोगे जब आपका वो ब्लू वाला पट्टी ऑटोमेटिकली 100-250 हो जाएगा, उसके बाद एनिमी के साथ आप जब फाइट करोगे तो एनिमी को जब डैमेज दोगे तो उसका जो भी आर्म प्रोटेक्शन होता है ना, जो हम लोग का वेस्ट वगैरह पहना हुआ रहता है, वेस्ट तो इतना बुरी तरीके से फाड़ेगा भाई कि सामने लोगों को समझ भी नहीं आएगा, एंड उसका जो एक्स्ट्रा शील्ड वाला पॉइंट जो भी होता है वो पॉइंट को भी तुरंत भाई यू चुटकी में खत्म कर देगा, एंड आपका जो पॉइंट है वो 250 वाला वो धीरे धीरे करके पर सेकंड 5-5 सेकंड आपको माइनस होगा। ये कैरेक्टर भाई अलग लेवल के यहाँ पर से होने वाला है, आई थिंक मेरे को लगता है इस कैरेक्टर को आने के बाद गेम को थोड़ा सा डिसबैलेंस देखना पड़ेगा, बाद में कि आप लोग बताना कि आपको ये कैरेक्टर के अभी कैसा लगा। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर है ड्रैगन ड्रॉप को लेके, तो आप लोग अगर ओल्ड प्लेयर हो तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा गाइस एक टाइम में हम लोग गेम के अंदर ड्रैगन देखने के लिए मिलता था लेकिन वो नॉर्मल था, थोड़ा थोड़ा आवाज मिलता था, लेकिन अब जो आपको ड्रैगन मिलेगा भाई ये आप लोगों को ड्रॉप ला के देगा, जब इसे डैमेज दोगे तो ये ड्रॉप ला के देगा भाई, एंड थोड़ा सा यूनिक चीज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ओल्ड मेमोरी कुछ आप लोगों को बात यहाँ पर याद आने वाली, क्योंकि हमें लोग एक गेम के अंदर एक टाइम में ड्रैगन देखने के लिए मिला था लेकिन फिर से आप लोगों को गेम के अंदर ड्रैगन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये ड्रैगन थोड़ा सा अलग टाइप के यहाँ पर से होने वाला जो आप लोगों को ड्रॉप लाके देगा, ये बहुत अच्छी चीज है। एंड गाइस नेक्स्ट आप लोगों को बहुत ही बेकार से एक अपडेट आने वाला है लेकिन थोड़ा टाइम के लिए लगेगा चलो भाई सही है, अब आप लोगों को गेम के अंदर इतना दिन देखने के लिए मिला होगा बी बैच, लेकिन अब आप लोगों को गेम के अंदर देखने के लिए मिलेगा ई बैच। अब ई बैच क्या है भाई, ये आपको डायमंड लेके एक प्रीमियम पैक लेना पड़ेगा जहां पर से आप लोगों को ई पैक ई बैच मिलेगा, और ई बैच में आप लोगों को 3 इवोकन मैक्स मिलेंगे, एंड गाइज एंड इसके साथ बहुत सारे आप लोगों को आइटम्स मिलेंगे, और ये हर महीने इसका जो प्राइस रेट होगा गाइज
वो इंक्रीज और डिक्रीज होता रहेगा और उसके हिसाब से उसमें आप लोगों को जो आइटम्स है वो आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों को आइटम्स देखने के लिए मिलेंगे। एंड ये मेरे को थोड़ा सा फनी टाइप का लगा, आप लोग बताना भाई, नॉर्मल में वीवेज पब्लिक यूट्यूबर को मिलता है, लेकिन आप पब्लिक को ई बैच मिलेगा पैसे देखिए। एंड में फिर नेक्स्ट अपडेट जो आप लोग मिलने वाला है, ये एक बड़ा अपडेट आप बोल सकते हो इसे। यहाँ पर आप देख पर सिंपल एफएफ कॉइन जो हम लोगों को मिलता था, यहाँ पर आप लोगों को इसमें डिजाइन कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। एंड इसमें एक और चीज चेंजेस किया गया गाइस, अब तक हम लोगों को ये सामने जाके फुट स्टेप पे जाके लेना पड़ता था, लेकिन अब जो है गाइस आप गाड़ी से भी जाके ले सकते हो। जी हाँ गाइस, अगर आप गाड़ी उस पर चढ़ाते हो तो आपका जो कॉइन है वो कलेक्ट हो जाएगा। इतना टाइम तक क्या होता था कि अगर हम लोग गाड़ी उसके ऊपर से भाई कितना बार दौड़ा देते वो हम लोग कॉइन नहीं मिलता था, बट अब जो है गाइस अगर आप उसके ऊपर गाड़ी सिर्फ सटा देते हो गाइस तो वो कॉइन आप लोगों को जमा हो जाएगा और आप लोगों के अकाउंट पे आ जाएगा। एंड ये चीज सही है गाइस, बहुत टाइम ऐसा होता है जहां पर से हम लोग के एनिमी होता है लेकिन वहां पर से हम लोग उस चीज को नहीं ले पाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आप गाड़ी लेके वहां पर जा सकते हो, एफएफ कॉइन को इजीली यहां पर से कलेक्ट कर सकते हो। एंड भाई इस अपडेट के बाद आप लोगों को गेम के अंदर बहुत सारा चीज देखने के लिए मिलेगा, बहुत सारा चेंजेस मिलेगा, उतना सारा बताने जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत सारा चीज आप लोगों को पता है कि एडवांस लेवल पर देता है, बहुत सारा चीज यहां पर से नहीं देता, तो फाइनल अपडेट्स के बाद आप लोगों को सारा का सारा चीज देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना सा, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगा, और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने का दिल से थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।